राजस्थान के बांसवाड़ा में फिर से एक बार हिंसा भड़क गई है। यहां बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई है। प्लांट के लिए जमीन खाली कराने गई पुलिस पर यहां रहे लोगों ने पथराव कर दिया है। वहीं जवाब में पुलिस ने भी हाईवे जाम कर रही महिलाओं को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। करीब 3 घंटे चली इस हिंसा में पुलिस के 3 जवान और कुछ ग्रामीण घायल हो गए हैं। पुलिस ने भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। विवाद के बाद पुलिस ने पावर प्लांट के लिए जमीन खाली करा ली है। अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। दरअसल बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है। यहां बाउंड्री वॉल बनाकर इसकी जद में आ रहे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों के विरोध को देखते हुए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी LPCIL ने पुलिस से मदद मांगी थी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों की पुलिस को मौके पर तैनात कर लोगों को हटाने की जिम्मेदारी दी गई। शिलान्यास की तारीख नजदीक आने के कारण इन परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा था, जबकि स्थानीय लोग मांग पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं थे। शुक्रवार सुबह जमीन पर जब NPCIL ने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू किया तो लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। सुबह करीब 10:30 बजे बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध को बढ़ता देख पुलिस ने जब इन्हें हटाना शुरू किया तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में QRT का जवान कल्पेश गरासिया घायल हो गया, जिसके सर पर पत्थर लगा। उसे बांसवाड़ा के MG हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय महिलाओं ने नेशनल हाईवे 927A यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम वाला जो हाईवे है उसे जाम कर दिया। पुलिस ने महिलाओं और लोगों को हटाने का प्रयास किया। इस पर वहां भगदड़ मच गई और कुछ लोग पहाड़ी पर तक चले गए। वहां से पथराव शुरू हुआ। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने BAP नेता हेमंत राणा समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इस पथराव में QRT के जवान कल्पेश गरासिया के सर में चोट लगी है। उनका अभी बांसवाड़ा के MG हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने से पहले ही उनके विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसीलिए वे भड़क गए। उनका कहना है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक विस्थापित नहीं होंगे। परमाणु बिजली घर का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इस क्षेत्र में आने वाले 6 गांवों बारी, सजवानिया, रेल, खड़ियादेव, आड़ी भीत और कटुम्बी में रहने वाले करीब 3,000 लोगों को विस्थापित किया जाना है। इन परिवारों को सरकार द्वारा 415 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है और इसके बदले में 553 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। इन गांवों से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए पास के खड़ियादेव में 60 हेक्टेयर जमीन मकान बनाने के लिए ढूंढी गई है। पिछले महीने 18 जुलाई को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए आदिवासियों ने सभा कर कई मुद्दे उठाए। इसमें उन्होंने छोटी सरवन में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को निरस्त करने की मांग की थी। इस मांग को लेकर लोकसभा चुनाव का भी ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA BEd, BSc BEd, BSc, MA, MSc, MCom।
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।